इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जामंत बाबा श्री हनुमान जी महाराज को समझाते हुए कहते हैं, कपिसेन संग संहारी निशिचर राम सीतहिं त्रैलोक पावन सुजस सुन ना जो सुनत गावत कहत समझत सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावे। ये इसका मूल है, ये इसका परिणाम है। किसका? राम कथा का। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावे। इसलिए रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावे। रघुबीर पद पाथोज मधु कर गोस्वामी जी कहते हैं, कपिसेन यामंत बाबा ने कहा, ये सुंदर कांड है, किष्किंधा का अंतिम चरण सुंदर कांड है। तभी एक स्पष्ट होगा, जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भय। यहां से प्रारंभ हुआ सुंदर कांड। सुनत कपिसेन संग संहार निश्चित राम सीते ही आने। जो लीला चरित्र होगा उसको सुनकर गाकर कहकर और समझकर भगत लोग परम पद पाएंगे। ये सार है ग्रंथ का, नहीं कांड का उपसंहार है, कंक्लूजन यही समझना है। हर कांड के उपसंहार में उसकी महिमा है, यहां भी है। अब जामोहन जी ने अपनी रामायण में यही लिखा, रामचरित्र में क्या है, क्या क्या फायदा, क्या सुनने से गाने से समझने से। जामोहन रामायण भी एक ग्रंथ है, अंगद रामायण भी है, जो उन्होंने देखा वो लिख दिया। श्री हनुमान जी ने हनुमान नाटक लिखा जो संस्कृत में है, विशुद्ध है। महर्षि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखा, सबके रामायण का अपना अपना नाम है। कितनी महिमा, जिसने जो देखा, हमने देखा 24 वर्षों में। पाठ मत करिए, समझ के पढ़िए क्या लिखा है, क्या जीना है। मानस गाने का ग्रंथ नहीं, मानस समझ के गाने का ग्रंथ है। जे गावहि यह चरित संहारे तेजे हिताल चतुर रखवारे। जे गावहि यह चरित संहारे
यही माने इस ग्रंथ को अपना चरित्र संभाल कर जो गाएगा, अथवा तो दूसरा अर्थ है इस चरित्र को, इस माने रामचरित्र को संभाल कर गाएगा, चाहे जो नहीं सुना देगा, इस चरित्र को संभाल के गाना है और अपने चरित्र को संभाल कर यह चरित्र गाना है, तब चतुराई सिद्ध होगी। चाहे जैसे चतुराई सिद्ध नहीं होगी, ग्रंथ अमरता प्रदान कर देता है, अनमोल है, दोनों अनमोल है, मानव जीवन अनमोल है और श्री रामचरित मानस जी में राम जी की कथा अनमोल है, अनमोल है। इसको समझ कर कहेगा, समझ के बूझ के जो रहेगा उसका जीवन आनंद में रहेगा। प्रभु हमारे आनंद सुख के खजाना है, गुरुदेव कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के समुद्र जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते धाम राम असनामा, सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल दायक विश्रामा, अखिल दायक विश्रामा। भगवान आनंद के समुद्र हैं, आनंद सिंधु हैं, सुख के खजाना है, सुख राशि कंकड़ी से लेकर तीनों लोक की सुंदर व्यवस्था करने में प्रभु सक्षम है। क्या टेंशन, जब प्रभु ही सक्षम है सब करने में तो काहे का टेंशन, काहे का तनाव। साधक श्री हनुमान जी महाराज लंका प्रवेश किए तो विभीषण जी से जब परिचय हुआ तो विभीषण जी बहुत दुखी हुए। आज भी किसी भगत जी से मिलिए ना तो बस हाल चाल पूछ बजे, का हो का हाल चाल बा, भैया बड़ी विपत में फंसे हैं, का हो, आ तो कैसे खत्म हो गया, ये कितना भारी विपत है, बाजार से खरीद ले, ये कौन विपत है हो। पहले तो विपत, अरे भाई कोई सामान नहीं है तो विपत थोड़े है, आज नहीं है थोड़ी देर में हो जाएगा,
संपत्ति और विपत्ति इसको हम अपने हिसाब से ही मान लेते हैं। अच्छा खत्म हुआ तो आ जाएगा, तो क्या संपत्ति हो जाएगी? नहीं, हम नहीं का एहसास करके विपत्ति तो मान लेते, लेकिन जब वही पूर्ति हो जाती है तो भगवान को धन्यवाद नहीं देते, प्रभु आपकी कृपा से संपत्ति हो गई। क्यों? विपत्ति खत्म, संपत्ति प्रारंभ। ना, अब मानस की क्या परिभाषा है देखिए। भक्तराज विभीषण कहते हैं, जहां सुमति तह संपत्ति जहां कुमति तह विपत्ति सुमति क्या सुंदरमति। सुंदरमति कौन? जो भगवान में लगे, भजन में लगे, गंगा स्नान में, गंगा दर्शन में, तीर्थ में, बाबा के दर्शन में, अरे जो परमार्थ यात्रा में लगे मति वो सुमति। और जो जगत के विषय वस्तुओं के बटोरने में संघर्ष करा रही है वो कुमति। कु माने बुरा। विषय वासनाओं में संसार के डूबे उतरा है वो कुमति, और भगवत प्रेम परमार्थ में लग जाए सो सुमति। विचारों की भिन्नता कुमति नहीं है। विभीषण जी कहते हैं कि आपके हृदय में कुमति बस गई है, इसलिए सीता जी में आपको इतनी ममता जग गई। आपके हित की जो कहता उसको शत्रु मान लेते हैं, और जो आपके नाश की कहता उसको मित्र मान लेते हैं। सुमति कौन? जो हित की कहे, कड़वी ही कहे तब भी माने वो सुमति। अच्छा दिखावे और बुरे की बतावे वो कुमति। अच्छाई दिखाई पड़ रही है, परिणाम बुरा होगा, कुमति। बुराई दिख रही है, परिणाम अच्छा होगा, सुमति। जहां सुमति वहां संपदा, जहां कुमति वहां विपदा। कैसे? कोई जुआ खेले, सट्टा लगावे, झूठ सांच बोले, दूसरे की संपदा हरण करे, दूसरे को त्रास दे, उसको तत्कालिक सुख दिखता है, परिणाम दुख, विपत्ति निदाना, विपत्ति निदाना। और जहां कष्ट भी भोगना पड़े, एकादशी व्रत करे, माघ स्नान करे, कार्तिक स्नान करे, क्या हुआ? दुख दिखता है, परिणाम सुख का है। जहां सुमति वहां संपत्ति। धर्म में जो बुद्धि लग जाए वो सुमति, सत्कर्म में लग जाए सुमति, अपकर्म में लग जाए कुमति। हमारी आपकी सबकी बुद्धि सत्कर्म में लगे, भगवान की कृपा हमारा सौभाग्य, सुमति। न लगे सो कुमति। लगना चाहिए, लगाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, सौभाग्य वर्धन होगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।